हेलो किसान भाई, कृषि जागरण से मैं सुरेश कुमार कुशवाहा, डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश से। आज मैं आम के बाग लगाने वाले किसान भाइयों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। जो आम के बाग होते हैं, आम के पेड़ में एक बहुत बड़ा कीट लगता है, जो कि आम के तने को इस तरीके से, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से खाते हुए पूरे आम को नष्ट कर देता है और अंत में आम का पेड़ सूख जाता है। यह कीट अंदर अंदर ही खाता है, जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए बड़ी ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि इसमें कीट लगा हुआ है। तो हमारे किसान भाई, आम के पेड़ में यह अवश्य ध्यान देते रहें कि कहीं हमारे पेड़ में कहीं कीट तो नहीं लगा है, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल में पता चल पाता है कि इसमें कीट लगा है। तो ऐसी स्थिति में अगर कीट लगा हो तो उसको ऊपर का छिक्कल निकालते हुए, इस तरीके से छिक्कल निकालते हुए और उसको खोदते जाइए, जहाँ पर आपको कीट मिले उसको वहाँ नष्ट कर देना चाहिए। और यदि कीट पेड़ के अंदर हो, छेद बनाकर अंदर घुस गया हो, तो उसके लिए किसान भाई को किसी भी प्रकार के कीटनाशक को किसी पिचकारी या सिरिंज के माध्यम से उस छेद में कीटनाशक को भरते हुए और ऊपर से छेद को मिट्टी के माध्यम से बंद कर दें, जिससे कि कीट मर सके और वो बाहर ना निकल पाए। तो इस तरीके से अपने पौधों को किसान भाई बचा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पेड़ में कीट लगा हुआ था, तो इसके छिक्कल को निकालते हुए मैंने इस पेड़ के कीट को नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद हमारा पौधा आज भी हरा भरा और बढ़िया ग्रोथ करते हुए चल रहा है। तो किसान भाई, इस तरीके से आम के अपने पौधों को इसके समस्या से बचा सकते हैं। नहीं तो अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती तो पौधा सूख सकता है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई अपने बाग की सुरक्षा कर सकते हैं। नमस्कार।